नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। विधानसभा में शानदार जीत के बाद अब मोदी कैबिनेट में बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी की मंत्रिपरिषद में जल्द ही कुछ नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आने वाले कुछ सांसदों को कैबिनेट में मौका मिल सकता है। पार्टी को लगता है इससे 2024 के लिए स्थानीय स्तर पर समीकरण मजबूत करने पर मदद मिलेगी। इसके अलावा राज्यों में विधायक के रूप में चुने गए कुछ सांसद भी इस्तीफा दे सकते हैं और उन्हें संबंधित राज्यों में कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिल सकती है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल भी एमपी विधानसभा चुनाव जीत गए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से रेणुका सिंह ने भी जीत हासिल की। अब इन मंत्रियों को भविष्य को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। सांसदों की बात करें तो राकेश सिंह, रीति पाठक, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी, अरुण साव भी सांसद चुने गए हैं। इनमें से कुछ लोगों को केंद्र सरकार में हिस्सेदारी मिल सकती है। जिन लोगों का नाम खासतौर पर चर्चा में है, उनमें होशंगाबाद से सांसद उदय प्रताप सिंह, राजस्थान के किरोड़ी लाल मीणा और अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ शामिल हैं। नियमों के मुताबिक विधायक चुने गए मंत्रियों और सांसदों को अगले 14 दिन के भीतर विधानसभा या सांसद से इस्तीफा देना होता है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है, ज्यादातर नेताओं को राज्यों में पार्टी को मजबूत करने के लिए विधानसभा चुनाव में उतारा गया है। अधिक परिदृश्य यह है, सांसदों को लोकसभा छोड़कर राज्य में कहीं सक्रिय होने के लिए कहा जाएगा। इसके अलावा विधायक द्वारा चुने गए 3 केंद्रीय मंत्रियों पर भी हाईकमान फैसला लेगा। वहीं फग्गन सिंह कुलस्ते और सांसद गणेश सिंह भी विधायक नहीं बन सके, ऐसे में उनका क्या होगा, इसकी चर्चा भी शुरू हो गई है। हालांकि संभावना है कि इस्तीफा देने वाले सांसदों की सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि 6 महीने के भीतर उपचुनाव होना है और 2024 के चुनाव में अब कम समय बचा है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स को देखने के लिए बने रहें पोल खोल पोस्ट पे। धन्यवाद।